हेलो गाइस, वी आर बैक। और इंटेल की जो 12th जनरेशन है, आप सब अब तक तो उससे वाकिफ हो ही चुके होंगे कि जितने भी अनलॉक प्रोसेसर्स हैं, जो के वाले प्रोसेसर्स हैं इंटेल के, चाहे 12600K हो, 12700K हो या 12900K हो, सब एक से बढ़कर एक प्रोसेसर्स आए हैं, चाहे परफॉर्मेंस की बात हो और चाहे प्राइसेस की बात हो। बजट यूजर जो है उसको तो ध्यान में रखा ही नहीं गया इस बार 12th जनरेशन लॉन्च करने से पहले, बट इट इज टू अर्ली टू से दैट, क्योंकि अब आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि i3, i5, i7 में कौन से वो बजट सीपीयूज हैं जो इंटेल बहुत जल्द ही लॉन्च करने वाला है, क्या उनकी कॉन्फ़िगरेशन होने वाली है, किस में पी कोर्स और ई कोर्स होंगे, कैसी उनकी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, क्या L3 कैश मेमोरीज, क्या क्लॉक स्पीड्स, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही प्रिसाइज वीडियो रहने वाली है ये, तो कहीं मत जाना, वी विल बी राइट बैक। तो गाइस, वीडियो की शुरुआत करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, ये पहली वीडियो है जो आप हमारे चैनल की देख रहे हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। नीचे लाल कलर का एक बटन होगा, उसको आप प्रेस करिए, उसके साथ ऑल बटन भी होगा, उसको दबाइए, ताकि हमारे चैनल से जुड़ी सारी की सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो गाइस, वीडियो की आप शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जितने भी अनलॉक प्रोसेसर्स थे वो Z690 बोर्ड्स के साथ कंपैटिबल थे, जो कि गेमर्स और पीसी एंथुजियास्ट्स को मतलब मुद्दे नजर रखते हुए या टारगेट करते हुए ही रिसेंटली लॉन्च हुए हैं इंटेल के। हालांकि काफी सारे लोगों तक तो अभी ये पहुंच भी नहीं पाए हैं, बट इन सबसे पहले हमारे पास एक और खबर आ गई है कि इंटेल की जो i3, i5, i7 और i9 में लॉक्ड प्रोसेसर्स हैं, मतलब कि जिनको आप ओवरक्लॉक नहीं कर सकते, उन प्रोसेसर्स की पूरी लिस्ट आ गई है। लीक्ड ही सही, बट फिर भी आ गई है, और जहां से ये लीक हुई है वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। ये momo_us इज अ काफी रिलायबल जो भी एक अकाउंट है, यहां सर हमें सारी की सारी लीक्स मिलती रहती हैं। तो सबसे पहले टू ब्रेक द आइस, जो लोग भी Z690 जैसे एक्सपेंसिव बोर्ड से परेशान थे, उन लोग के लिए थोड़ी राहत है। B660 और H670 बोर्ड्स भी मार्केट में आपको देखने को मिल सकते हैं एज अर्ली एज January 2022। ये जो बोर्ड्स हैं ये काफी ज्यादा बजटरी रेंज में आ सकते हैं, और थोड़े बहुत चेंजेस जैसे PCIe Gen 5 हो सकता है इनमें ना हो, बट हाँ DDR5 कंपैटिबिलिटी इनमें जरूर देखने को मिलेगी। तो गाइज, अब आगे बढ़ते हैं, आपको आप अपनी स्क्रीन पर मैं दिखा देता हूं कि जो भी ये लीक आया है, इसमें आपको बहुत सारे प्रोसेसर्स, चाहे आप i3 की बात करें, i5 की बात करें, i7, i9 की बात करें, तो सभी के सभी लॉग प्रोसेसर्स की लिस्ट आपको देखने को मिल रही होगी। ये जो लाइनअप है इसमें आपको मोस्ट प्रोबेबली सबसे ऊपर i9 12900 एंड 12900F देखने को मिलेगा, देन i7 में 12700 एंड 12700F। इसके अलावा बजट में आपको i5 में 12600, 12500, 12400 और 12400F जैसे 5 प्रोसेसर्स देखने को मिलेंगे। जो लोग 12400F के लिए काफी एक्साइटेड हैं, दिस इज द वीडियो फॉर यू, क्योंकि इसमें आपको उनकी कॉन्फ़िगरेशन और जो उनकी कैश मेमोरीज होने वाली है वो आपको सबकी सब मिलेंगी। इसके अलावा i3 में भी एटलीस्ट 2 मॉडल्स तो इसमें आएंगे, जिनके बारे में आपको बता ही देता हूं कि i3 12100 और 12300 इसमें आपको देखने को मिलेगा। बट गाइज, द मोस्ट शॉकिंग थिंग जो मुझे इस पूरी लाइनअप में लगी वो ये है कि जो प्रोसेसर्स हैं, चाहे i5 के ही कुछ प्रोसेसर ही क्यों ना हो, उनमें आपको सिर्फ और सिर्फ पी कोर्स देखने को मिलेंगे, उसमें आपको ई कोर्स देखने को नहीं मिलेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ 6 कोर और 12 थ्रेड के साथ आने वाले हैं। तो जो लोग ये कह रहे थे कि 10 कोर और 16 थ्रेड के साथ आपके i5 प्रोसेसर्स आएंगे, दिस इज अ शॉकर फॉर यू, क्योंकि ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा शॉक था। अब मुझे नहीं पता इंटेल के इसके पीछे क्या थॉट है, बट जो भी आपके i5 12600 हो, 12500 हो या 12400 या 400F भी हो, इन किसी में भी आपको एफिशिएंसी कोर्स देखने को नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस कोर्स बेस्ड ही ये प्रोसेसर्स होंगे। ठीक है, बेस फ्रिक्वेंसीज, मैक्स बूस्ट फ्रिक्वेंसीज अच्छी हैं, 4 गीगाहर्ट्ज़ और 4.4 गीगाहर्ट्ज़ तक की ये आपको देखने को मिलेंगी, 18 MB की L3 कैश मेमोरी भी मिलेगी, इट इज़ ऑल फाइन। अगर स्पेक्शीट देखे तो अच्छी है, बट यहाँ पर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ऑल्डर लेक की, उसमें कम से कम पी कोर्स और ई कोर्स का कॉम्बिनेशन तो होना चाहिए। दिस इज व्हाट वाज मेकिंग इट डिफरेंट फ्रॉम दी अदर इंटेल प्रोसेसर्स। बट ठीक है, बजटरी रेंज में शायद इंटेल के लिए वो सिलिकॉन डाइज और एवरीथिंग मैनेज करना इज नॉट दैट ईजी जितना हम लोग सोच रहे थे, क्योंकि इतनी बड़ी लाइनअप में सभी प्रोसेसर्स को आप एक पूरा नया टच दे नहीं सकते, चाहे आप इंटेल जैसी बड़ी कंपनी क्यों ना हो।
तो अब आप इस चीज से आइडिया लगा सकते हैं कि जो 12600 है और जो 12600K है उनकी परफॉर्मेंस और एनर्जी एफिशिएंसीज में कितना मेजर डिफरेंस आने वाला है। तो आप एक तरह से देख सकते हैं कि 12600K यहाँ पर है और 12600 यहाँ पर है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि 12600K में आपको परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी कोर्स दोनों की एक जुगलबंदी देखने को मिलेगी और इसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल जो आपके परफॉर्मेंस कोर्स होते हैं वही देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बोर्ड्स जो हैं उसमें शायद PCIe Gen 5 ना मिले, जो B660 बोर्ड्स हैं जो इन प्रोसेसर्स के साथ कंपैटिबल होंगे, बट स्टिल DDR5 कंपैटिबिलिटी तो जरूर देखने को मिलेगी ही, चाहे आपके लॉक प्रोसेसर्स ही क्यों ना हो। इसके अलावा गाइस बात करें इंटेल की जो एंट्री लेवल प्रोसेसर्स हैं i3-12100 और i3-12300, तो ये जो प्रोसेसर्स हैं ये भी विदाउट एनी एफिशिएंसी कोर्स आएंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस कोर्स होंगी जैसा इस लीक में बताया जा रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली आप जैसे या हम जैसे बहुत सारे लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सस्ते में एक परफॉर्मेंस कोर्स और एफिशिएंसी कोर्स की जुगलबंदी देखने को मिलेगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। इंटेल इज जस्ट कमिंग अप विद ओनली परफॉर्मेंस कोर्स वाले जो 4 कोर और 8 थ्रेड वाले प्रोसेसर्स। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि इंटेल 2 कोर जो होंगे परफॉर्मेंस वाले और 4 एफिशिएंसी कोर्स वाले प्रोसेसर्स लेके आएगा, बट ऐसा नहीं हो रहा है। आई एम ऑल्सो शॉक्ड विद दिस न्यूज। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि इंटेल की क्या सोच रही होगी इसके पीछे, वो ये है कि जितने भी हमारे बजट बायर्स होते हैं या जो एंट्री लेवल प्रोसेसर्स लेते हैं वो हर कोई नए से नया सॉफ्टवेयर ना ही अफोर्ड कर सकता है और ना ही रखता है। वो लोग पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे या पुराने सॉफ्टवेयर्स पे काम करते हैं, जिसके लिए हो सकता है कि जो परफॉर्मेंस कोर्स और एफिशिएंसी कोर्स की जो जुगलबंदी है कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, कोई कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ सकते थे उसमें, जो मुझे लगता है कि माइट बी अ स्मार्ट मूव फॉर इंटेल, जिससे कि उनकी मार्केट वैल्यू जो है, जो बजट प्रोसेसर्स है वही मार्केट वैल्यू बनाते हैं और वही अगर कंपैटिबिलिटी इश्यूज आएंगे तो मार्केट वैल्यू नहीं रहेगी। तो इस वजह से मुझे लगता है कि इंटेल हैड मेड अ वेरी स्मार्ट मूव विद दिस। आपके H670 और B660 बोर्ड्स कंपैटिबल रहेंगे i3 के साथ भी, तो आप लोग इसके साथ जा सकते हैं। DDR5 कंपैटिबिलिटी भी देखने को मिल सकती है, डाउनवर्ड कंपैटिबल तो ऑब्वियसली DDR4 रहेंगे ही। इसके अलावा PCIe Gen 5 i3 प्रोसेसर्स के साथ भी कंपैटिबल नहीं होगा, तो आप लोग अगर PCIe Gen 5 के साथ जा रहे हो तो आई वुड सजेस्ट यू गोइंग फॉर दी अनलॉक्ड प्रोसेसर्स, जिसके साथ आप जा सकते हैं, जो भी आपके K वाले प्रोसेसर्स हैं 600K 700K 900K इनके साथ आप जाइए। बाकी आई डोंट थिंक के जो बजट बायर्स हैं उनको जेन 4 या जेन 5 से घंटा फर्क पड़ता है, उनके लिए तो बस ये है कि उनको लेटेस्ट प्रोसेसर्स चाहिए जिससे उनकी जितनी भी मिसलेनियस काम्स हैं, एंट्री लेवल को गेम्स खेलना चाह रहे हैं वो हो जाए। जितने भी लीक्स आ रहे हैं वो क्या सजेस्ट कर रहे हैं, बाकी इट इज़ योर चॉइस। आपको अगर इस पर विश्वास करना है तो आप कर सकते हैं, एटलीस्ट मुझे तो इस सोर्स पर बहुत ज़्यादा विश्वास है। बाकी इसके अलावा आई थिंक दैट इज इट फ्रॉम माई एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और कमेंट कर दिया करो यार, कभी एक आधा हम लोग पढ़ लेते हैं, कमेंट कर देते हैं, बातें हो जाती हैं दो एक आधी, अच्छा लगता है। तो आप देख रहे थे जेटलैप टेक टिप्स, मैं हूं रजत द्विवेदी, मिलते हैं अगली वीडियो।